नमस्कार दोस्तों, टीम सिटी लाइव में मैं मुख्य कविता आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और लिए चलती हूँ आपको शब्द संसार की संसार में, जहाँ शब्द उस औजार की तरह है जो दिल में सीधे उतर कर दिल की गहराइयों में दबे भाव निकाल कर सामने ले आते हैं। शब्दों की ये जादूगरी मुझे बहुत भाती है, तो आज मैं आपको ऐसे एक और शब्दों के जादूगर से मिलवाना चाहती हूँ। आप जब गीत गाते हैं तो सभागार में श्रोता तालियों के साथ ताल देते हैं, गाते हैं, झूमते हैं। राष्ट्रीय फलक के पत्रकार, राष्ट्रीय फलक के कवि हजरत सैयद सदीक अली जकी, आपका स्वागत है सर मंच पर। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप 2005 से पत्रकारिता फील्ड में हैं और पत्रकारिता फील्ड के हरफनमौला कहे जाते हैं आप। अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वगैरह में आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, सारे जगह उत्तर भारत में आपने कवर किया है। तो सर, सबसे पहला एक प्रश्न, पत्रकारिता में तो वक्त की बड़ी तंगी रहती है, फिर आप साहित्य में मतलब इतने बड़े कवि यात्रा कैसी रही, कहाँ से शुरुआत करेंगे? ये एक दबी हुई चिंगारी थी जो पत्रकारिता ने इसे वापस आग दी है। दरअसल मैं कॉलेज के समय से ही लिखता रहा हूँ, यूथ फेस्टिवल होते थे उसमें नॉन फिल्मी जोन में मैं कॉलेज का रिप्रेजेंट करता था, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का भी मैं रिप्रेजेंटेटिव रहा, अपना खुद एक गाना लिखता था, उसे कंपोज करता था और नॉन फिल्म कैटेगरी में मैं उसे करता था। इत्तेफाक से कई बार अवार्ड लिए मैंने, नेशनल लेवल तक भी गया हूँ। वो चीज़ थी, मैं बाय प्रोफेशन पत्रकार हुआ। शुरुआत में जरूर थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, नया नया था सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो खबरें थी जी, और मैं केवल खबरों पर उसे नहीं रखना चाह रहा था, अंदर का जो एक कवि था उस खबरों को दूसरी तरफ देखता था। एक वाकया था कि एक महिला आई और अपने बेटे के साथ उसे पुष्कर में आई, तो ऐसा लगा कि ठीक है, बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने, ब्रह्मा जी के दर्शन करने आए जी। वो बंदा उसे छोड़ के गया और एक शब्द उसके थे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, यहाँ प्रसाद मिल जाएगा, दो वक्त का खाना हो जाएगा, और वो वापस चला, वो पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ी। वो ये सारा सीन मैंने वहां पे जब देखा और वो चला गया अपनी माँ को छोड़ के वहां से। अच्छा, मैंने अपने एक साथी को बुलाया, मैंने वो महिला से बात की और वो महिला अपने बेटे को तब भी गलत नहीं बता रही कि ठीक है, बोले घर में होता है, बच्चन होते हैं, ये सारी चीजें कि होता है तो मान जाएगा, वो मुझे ले जाएगा, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मेरी भी माँ है, बुढ़ी माँ है और मैं उनसे दूर था, तो हर एक बुढ़े चेहरे में अपनी माँ मुझे नजर आती है। तो मैंने अपने दोस्त से, जो उस समय वृद्धाश्रम का काम देख रहे थे अजमेर में, मैंने उनसे बात की और उन माता जी को वहां ले गया। इत्तफाक देखिए, रोंगटे तब खड़े हुए कि उसी बेटे को मैंने कुछ दिनों बाद कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करते हुए देखा और वहां वो नारे लगा रहा था वंदे मातरम के। अब वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ समझिए, वंदे मातरम मतलब माँ की वंदना, माँ की इबादत। मुझे बड़ा मैं कह नहीं सकता कि क्या क्या कहूँ उस चीज को कि माँ की वंदना की बात कर रहा है ये बंदा यहाँ पे, खुद की जिंदा माँ को वहाँ पे दूसरों के भरोसे छोड़ के आया, वृद्धाश्रम में निवाले गिन के खाएगी, मुखौटे लगा रहे थे लोगों। तब मैंने कहा कि ये कैसी वंदे मातरम। तब एक गीत बना था, मैं शुरू करता हूँ मैं वहां से। बिल्कुल, जिसने हमें दिया है जन्म उसी पे हमने किए सितम, ये कैसी वंदे मातरम, ये कैसी वंदे मातरम। बन देखिएगा, ये जीवन माँ के सदके मिला, उसी को हमने खूब छला, वो जिसने अमृत हमें दिया, जहर नफरत का उसे दिया, एहसान उसके भुला रहे,
निवाले गिन के खिला रहे ये कैसी वंदे मातरम, ये कैसी वंदे मातरम, जिसने हमें दिया है जन्म उसी पे हमने किए सितम, ये कैसी वंदे मातरम, ये कैसी वंदे मातरम। एक दम देखिए जो मेरे बहुत दिल के करीब है। जी 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 स्वागत है। कहते माँ जन्नत का दर किया है उसका ही बेघर, मुँह से कुछ ना कहती है सब कुछ दिल पे सहती है, वो तन्हा तन्हा रोती है वो अक्सर भूखी सोती है, ये कैसी वंदे मातरम, ये कैसी वंदे मातरम। और भी इस गीत के कई अंतरे हैं, लेकिन ये था कि एक पत्रकार होने के नाते मैंने खबर तो लिखी थी वो, और ये गीत भी बना। ये गीत फिर वो मंच पे आया, मंच पे आने के बाद आपकी दुआओं से काफी इसे दुआओं से नवाजा लोगों ने, आप लोगों तक भी पहुंच रहा है। वही रोंगटे खड़े कर दिए आपने, आप स्तब्ध कर देते हैं, खबरों में स्तब्ध करते हैं, गीत से स्तब्ध करते हैं। बस बस मैं एक ही चीज कविता जी कहूँ कि मैं कोई तालीमी कवि या शायर नहीं हूँ। अच्छा। मैं केवल शब्द का एक कुम्हार हूँ जिसे शब्दों की मिट्टी से अपनी भावनाओं को एक स्वरूप देना है, वो देने की कोशिश करता हूँ मैं। खबर लिखी, खबर के साथ गीत बना जी, और गीत के साथ जो मेरा सफर है, तो वो ये दोनों तालमेल बनते चले गए। किस्मत सरस्वती की मुझ पर थोड़ी सी देन थी, मेरे रब का करम था मुझ पर कि मेरे दोनों पहिए चल रहे हैं, एक पत्रकारिता वाला भी और एक कवि वाला भी, तो आपकी दुआओं से ये दोनों चीज का तालमेल अच्छे से चल रहा है। जी साधी साहब, मैंने चीज नोटिस की, अंतिम में सरस्वती माँ का आशीर्वाद भी ले लिया और रब की मेहरबानी भी ले ली। आपकी आवाज में जो दम है, आपकी आवाज में जो मिठास है, बहुत खूबसूरत है, शायद यही कमाल है जी। और बहुत शुक्रिया ये जी, ये सरस्वती और रब की बात है, तो ये भारतीय मिट्टी का जो ताना बाना है जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कहते हैं ना कि भगवान हर मनुष्य की रचना मिट्टी से की है जी, तो हर मुल्क का जो बंदा है उसकी जो काया है वो रब ने उसी मुल्क से ली है और उसे वहीं पे पैदा किया है, तो मैं हिंदुस्तान में हूँ, मतलब मेरी जो काया वो हिंदुस्तानी मिट्टी की है, और मेरी हर शब्द मेरी कोशिश है कि हिंदुस्तानी संस्कृति बोले, हिंदुस्तान का जो गौरव है वो बोले, बस छोटा सा प्रयास यही रहता है। जब आप हिंदुस्तान में बोल रहे हैं तो आपकी जो सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध जो गीत है वो सुना दीजिए, जब गली गली हर एक जगह आप गाते हैं और सब कुछ सुनते हैं। जी जी वो गीत भी यूं बना था कि अभी पिछले समय में काफी कुछ चला कि हिंदुस्तान हमारा बाकी सब ये वो फलाना, तो मैं कहता हूँ कि एक मुस्लिम होने के नाते मैं शुरू करता हूँ इस गीत को, आप उसको देखिएगा। जी बिल्कुल। सरजमीए आदम की, आदम अलैहि सलाम की बात कर रहा हूँ जो दुनिया के सबसे पहले पुरुष थे। सरजमीए आदम की ख्वाजात आसमान है मेरा हिंदुस्तान, ये अपना हिंदुस्तान। सरजमीए आदम की ख्वाजात आसमान है मेरा हिंदुस्तान है, बन देखिएगा। घाट बनारस के गाते हैं आरती हिंदुस्तान की, सोने के मंदिर से गूंजी गाथा देश महान की, लाल किले से ताजमहल तक जिसका गौरव गान है मेरा हिंदुस्तान, ये अपना हिंदुस्तान है।
गीत मोहब्बत के गाए हैं सूफियों की टोली ने, गीत मोहब्बत के गाए हैं सूफियों की टोली ने, पैगाम दिया है यहाँ की हर मेरा तुलसी है और यहाँ रस खान है अपना हिंदुस्तान। अपने हिंदुस्तान की बात है कविता जी, ये वर्तमान का हिंदुस्तान है जी जी के हैं जी। मुझे तो लगा कि अभी एक और बंद गीत सुनाएंगे, अभी तो इतना प्यारा गीत चल रहा था जी। हाँ, सुनिए और ही तो क्या, इतना सुंदर गीत चल रहा हो तो आप रुकेंगे कैसे? मेरा हिंदुस्तान ये अपना हिंदुस्तान है, माफ कीजिए थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, मैं इसे देख लूँ क्योंकि अभी दो चार बार ही मैं पढ़ पाया हूँ इसे। अच्छा, हिंदुस्तान की बात करते हैं हम, मैंने कोशिश ये की थी कि जो हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति है वो मेरी हर रचना में आए, और इसी के लिए मैं कोशिश भी करता रहा कि कहीं ना कहीं मैं दे पाऊँ अपनी चीज। हम किसी और रचना पे चलते हैं जी, है ना? तो मैं तो यही कह रही हूँ कि एक कवि हो आप, उस पर तरन्नुम में पढ़ने का सलीका और फिर ये आवाज, माशाल्लाह। मतलब ये मुझे समझ में आया आपकी कविताएं और आपके गीत सुन के। मैंने ये भी आपके फेसबुक स्क्रॉल किया तब मैंने देखा कि आपके गीत लोग टिकटॉक में गा रहे हैं, तो आप देखिए कहाँ तक आपके फैन, आपके फॉलोअर्स कहाँ तक है कि लोग आपको टिकटॉक में भी गा रहे हैं। ये सब आपकी दुआओं का असर है, सब आप लोगों की दुआओं का असर है जो मुझे इतनी कामयाबी मिल रही है, धीरे धीरे एक पहचान बन रही है मेरी टिकटॉक पे। तो खैर आजकल पूरा जमाना ही टिकटॉक पे पागल है, और सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है इस वक्त, और ठीक है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुकाम पा जाएंगे तो मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे बच्चे भी मुझे याद रखेंगे। सर टिकटॉक पे प्रसिद्ध गीत ही गाए जाते हैं और आपके गीत उतने प्रसिद्ध हो चुके हैं। अब आप ये बताइए, आप जब इतना लयबद्ध गाते हैं तो कहीं से कोई तालीम, कोई गुरु, कहाँ सीखा है आपने ये सब? मेरे साथ था कि यही रहा कविता जी कि मैं शुरू से जिंदगी की जद्दोजहद में लगा रहा एक पत्रकार बनने का। पहले मुझे यह था कि मैं एनसीसी में इतना सब कुछ किया, आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, तो दूसरा ऑप्शन मैंने ये रखा था कि अगर हथियार की लड़ाई वर्दी पहन के अगर नहीं लड़ पाया तो मैं कलम की लड़ाई लड़ूंगा। और पत्रकारिता में मैं आया और एक मकाम हासिल करना चाह रहा था, मैं अपनी एक पहचान एक अच्छे पत्रकार, ईमानदार पत्रकार के तौर पे मैं कर रहा था। ऊपर वाले की मेहर रही कि मुझे जब भी याद रखा जाता है, जिस भी प्रदेश में मैंने काम किया, देश में जिस शहर में काम किया, वहाँ आपकी दुआओं से मुझे एक दबंग पत्रकार और ईमानदार पत्रकार के तौर पर जाना जाता है। और कोशिश यही है कि अपनी एक पहचान बनाना चाह रहा था, और वो मैं कामयाब हुआ, जहाँ भी मैं गया वहाँ मेरी पहचान बनी, और उसके साथ फिर सारी चीजें चलती चली गई जी। आपने हरियाणा के मंचों में बहुत तालियां प्राप्त की है, आपको बहुत वहां पे सराहा गया है, तो कैसे आप कुछ गजल वगैरह सुना रहे हैं? सही मायनों में मुझे राष्ट्रीय मंचों पे जो जगह मिली वो हरियाणा से ही मिली। अच्छा, तो कोशिश यही रहती थी कि मैं अच्छा से अच्छा करूं। एक कथा सुनाता हूं मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, प्रसंग तो आप पत्रकार हैं तो। जी जी जी, प्रसंग नहीं, मैं एक कथा सुनाऊंगा। अच्छा, उसके बाद एक गजल मैं आपको पेश करूंगा। बिल्कुल। बेकल दिल क्यों प्यार के रास्ते आना जाना भूल गया। बेकल दिल मतलब बेचैन जो दिल है,
बेकल दिल क्यों प्यार के रास्ते आना जाना भूल गया, बेकल दिल क्यों प्यार के रास्ते आना जाना भूल गया, रस्म वफा की याद है लेकिन प्यार निभाना भूल गया, जो यादें बैठा करती थी मेरे तसव्वुर में आकर, जो यादें बैठा करती थी मेरे तसव्वुर में आकर, उनको भी मैं गम की शब में गले लगाना भूल गया, उनको भी मैं गम की शब में गले लगाना भूल गया। ये कथा था जी, और उसके बाद में एक गजल इसी बहर पर एक गजल सुनिए। हाँ सुना। आँख के रास्ते समंदर एक खारा बह गया, आँख के रास्ते समंदर एक खारा बह गया, राज जो दिल में छुपा था दर्द सारा कह गया। बात बात जुगनुओं ने जब सुनाई दास्तां मुझको मेरी, जुगनुओं ने जब सुनाई दास्तां मुझको मेरी, कहकशां में टिमटिमाता एक तारा ढह गया, कहकशां में टिमटिमाता एक तारा ढह गया। जो कभी रिश्ते बने थे वो भी रुख हो गए, इस जहां की भीड़ में बस हम हमारा रह गया, रास्ते समंदर एक खारा बह गया। अगला शेर देखें। बिल्कुल स्वागत। में दीवानगी की भूल हमसे हो गई, प्यार में दीवानगी की भूल हमसे हो गई, हरा कर बेरुखी दिल हमारा सह गया, रुकी भी दिल हमारा सह गया, आँख के रास्ते समंदर एक खारा बह गया। आखिरी शेर देखिए। सर उठाए एक हवेली गाँव में देखी गई, सर उठाए एक हवेली गाँव में देखी गई, उसका था आशिया जो वो हमारा ढह गया, समंदर एक तारा बह गया, राज जो दिल में छुपा था दर्द सारा कह गया। बहुत शुक्रिया। आप जितना सुंदर गाते हैं, आपके शब्द आपके अल्फाज में
मायने भी उतने ही कह रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं आप, बहुत अच्छा लिखा है आपने। तो आप एक गीत आपका हमने सुना है अम्मा जी के ऊपर लिखा है आपने, आपने शायद दीपी पे वही लगा रखी है, अम्मा जी की लगा रखी है, तो अगला गीत वही सुनाएंगे तो सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने अपनी अम्मी के लिए ही लिखा है ये गीत। घर पे अम्मा कहते हैं, तो नोएडा में एक रात उनकी काफी शिद्दत से याद आई थी, और तब वो रात के करीब 3:30 बजे वो गीत अचानक बना था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अम्मा तेरी यादें कितना सताती है, अम्मा तेरी यादें कितना सताती है, तन्हाई में ये रुलाती है, अम्मा तेरी यादें कितना सताती है, वो प्यार से झूला झूलाना, वो ममता का लुकमा खिलाना, वो फिक्र से गोद उठाना, अम्मा तेरी यादें कितना सताती है। बंद देखिएगा जी। नादान में छोटा बच्चा था, पर तेरी नजर में सच्चा था, हर बात मेरी तू मानती थी, दिल को मेरे तू जानती थी, तुझ में ही रब को पाया था, हर अपना जब भरा था, मेरे तेरा साया था, हर चैन ये गाया था, अम्मा तेरी यादें कितना रुलाती है, अम्मा तेरी यादें कितना सताती है, तन्हाई में ये रुलाती है, अम्मा तेरी यादें कितना सताती है, अब लोरी हवाएं गाती है, पर गीत घटाएं सुनाती है, पर सर पे तेरा हाथ नहीं, जीने में अब वो बात नहीं, हर सांस बस बेमानी है, मेरी आंख में ये जो पानी है, सब याद की तेरी कहानी है, हर सुबह बस तेरी निशानी है, अम्मा तेरी यादें कितना सताती है। नायाब ये गीत आखिरी बन, नायाब बहुत खत्म कर जी। एक चोट जो मुझको लगती थी, बच्चों की तरह तू रोती थी, एक करवट जो मैं बदलता था, कब रात में तू भी सोती थी, ये जीवन तूने सवारा है, धरती अंबर का किनारा है, बस याद का अब तो सहारा है, जकी ने फिर से पुकारा है, अम्मा तेरी यादें कितना सताती है, तन्हाई में ये रुलाती है, अम्मा तेरी यादें कितना सताती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत खुश शुक्रिया। आप जब गा रहे होते हैं तो बीच में बोलने की इच्छा नहीं होती है कि वो डिस्टरबेंस लगेगा। अभी जो वर्तमान परिदृश्य बन रहा है, उस परिदृश्य में एक पत्रकार की नजर में आप कैसे कहेंगे? मैं तो जो सारी चीजें देख रहा हूँ, खासकर कि इसमें मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की काफी दोगली भूमिका मैं देखता हूँ इसमें। मैं एक ही चीज देखता हूँ, जो समाज में जो सियासत जहर घोल रही है, मैं एक ही बात कहता हूँ। अपने चार मिसरे देखें आप, उसको चार लाइन देखें, कि नफरत की ये धूल कहाँ से लाते हो,
नफरत की ये धूल कहाँ से लाते हो, वक्त इतना फिजूल कहाँ से लाते हो। मजहबों के नाम पे जो तुम चुभो रहे, मजहबों के नाम पे जो तुम चुभो रहे, धोखे के ये शूल कहाँ से लाते हो। वर्तमान परिदृश्य सियासत ने इतना गंदा कर दिया है मैडम कि लोग अपने जहन से सोच नहीं पा रहे हैं, हमें थोपा जा रहा है, हम वही सारी हम चल रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं। हम एक आम इंसान की तरह सोचते हैं तो ही हमको इतना लगता है कि हम तौबा तौबा करने लग जाते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप तो उन लोगों के बीच में हैं, आप कैसे फेस करते हैं इन सब चीजों? मैम एक बरेली का एक वाकया मैं आपको बताऊं तो आप शायद यकीन ना करें कि ऐसा हुआ है। मैं जब अजमेर से बरेली जब मैं दूसरे अखबार में नौकरी करने गया, वहां ज्वाइन किया, मकान की जरूरत थी। अच्छा। तो कहीं टूलेट का बोर्ड देखा, मैं वहां गया, एक आंटी आई और आंटी से बातचीत की, मैम मैं हिंदुस्तान अखबार में मैं आया हूँ और ऐसा ऐसा मेरा जॉब है और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहना चाहता। तब मेरी बड़ी बेटी थी 2-2.5 साल की, तो उनका हम हस्बैंड वाइफ हैं और 2-2.5 साल की बेटी है। बोले आइए बेटा आप अंदर आइए, देखिए घर पसंद आया सारी चीज। तो आंटी ने मुझे नाश्ता कराया, चाय पिलाई और बेटा कब शिफ्ट हो जाओगे, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है और आप अच्छा है मध्य प्रदेश से आए हो, ये है वो सारी चीज हो गई, रेंट फिक्स हो गया। मैंने कहा आंटी एडवांस देना। बोले बेटा 1 महीने का एडवांस आप दे दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब एडवांस देने के लिए पर्स से पैसा निकाला आंटी को देना, बेटा आपने नाम नहीं बताया अब तक। मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम सैयद सादिक अली है और बोले सॉरी बेटा फिर हम आपको मकान नहीं दे पाएंगे। ओहो, वो शॉक्ड कि ये आंटी मुझे बच्चे ट्रीट कर रही हैं, मुझे नाश्ता दे रही हैं, मुझे चाय पिला रही है, बातचीत कर रही है, सारा काम उन्होंने एक उसमें कर दिया कि आप बेटा कोई भी दिक्कत नहीं। उसी आंटी के यहाँ 1.5 साल तक किराएदार रहा। अच्छा। एकदम हृदय परिवर्तन हो गया, उनका वापस से बुला लिया आपको? बिल्कुल, मैं उनसे कह के आया था कि आंटी मैं पत्रकार हूँ और ऐसा कहा जाता है कि पत्रकार की कोई जात नहीं होती और चूंकि मैं हिंदुस्तान का हूँ, मैं पाकिस्तान से नहीं आया हूँ, है ना, जिनको जाना था वो लोग पाकिस्तान गए हैं, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरे दिल में हिंदुस्तान रचता बसता है, जैसे मेरी माँ है वैसे आप मेरी माँ की तरह है। खैर आपकी मिल्कियत है, आप देना चाहें ना देना चाहें, कहीं और आपका इंतजाम करूंगा। मैं कह के आया था, शायद उन्होंने फिर अपने हस्बैंड से कुछ बात की होगी और वो उन्होंने फिर मुझे फोन पे रास्ता किया और बुलाया कि बेटा आप आओ मेरे पास। मैं गया और मैं उनके फ्रूट्स लेके गया कि ताकि एक अखलाक आप कैसे आप साबित करोगे आप अच्छे हो बुरे, आदमी के विचार जो है वही उसकी आइडेंटिटी है बाकी है। लेकिन आजकल विचारों के साथ जो खेल हो रहा है वो बड़ा हो रहा है और एकदम फिल्मी दृश्य हो गया। जी आपकी आवाज कट रही है मैम। हाँ एकदम फिल्मी दृश्य हो गया जी, ये ऐसा लिटरली हुआ और उनका उन्होंने काफी मतलब कहा और मुझे इतना अच्छे से रखा उस महिला ने कि मैं मतलब अब जब भी बरेली जाऊं तो मैं उनसे सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात करूं। तो सबसे बड़ा सलाम तो आपको कि आपने उनके जो मन के भाव थे उसमें परिवर्तन लेके आए आप एक कोशिश करें। एक पत्रकार एक साहित्यकार होने के नाते हम सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो माहौल जो चल रहा है एक दूसरे से दूर करने का जी, उस माहौल को हम लोग ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दूर कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, हमारा व्यवहार हमें ऐसा रखना चाहिए ताकि हालांकि सियासत जो है वो अपना खेल खेलती है, सियासत का अपना मकसद है, वो अपने मकसद के तहत काम करती है, लेकिन हमें इंसानियत के मकसद से काम करना है और हमें यही सोच के काम करना है। समाज हम
हेलो। हाँ मैं वही देख रही थी कि उनका फ्रिज भी हो गया था। वापस जुड़ेंगे तो उसको ये एडिटिंग हो जाएगा ना।